ये मुझे बहुत पसंद है ये वाली बेडशीट, इसको भी अगेन 2000 लोगों ने रेट किया हुआ है। ये देखो यार इसका 3D सा लुक, नहीं और आपको नहीं लग रहा, मुझे बड़ा प्यारा लगा यार इसका प्रिंट। मैंने इन वाली बेडशीट में देखा है, लाभम वाली बेडशीट जो है उनमें ना कुछ 3 टाइप के पैटर्न है, जैसे कि मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। सुबह सुबह निकाला जा रहा है एप्पल का जूस, और एप्पल का जूस निकालने से पहले मैं उसके सीड वगैरह जो होते हैं ना वो निकाल लेती हूँ, और उसके बाद फ्रेश फ्रेश जूस निकालती हूँ। जूस मिजरे और प्रशांत दोनों को पसंद है। फिलहाल तो प्रशांत ने मांगा था मुझसे कि रीमा मेरे लिए फ्रेश फ्रेश एप्पल का जूस निकाल दोगी सुबह सुबह, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं अभी निकाल के लाती हूँ। और अगारो के इम्पीरियल स्लो जूसर की वजह से मेरा काम तो बहुत आसान हो जाता है, जब भी कोई भी जूस पीने का मन करता है बस तुरंत निकल जाता है झटपट। पता है हमारे लंच में क्या बना है? आज मैंने दलिया बनाया, हेल्दी लंच है आज, कोई रोटी चपाती कुछ नहीं है। रोटी बनी है लेकिन वो सिर्फ मैंने मफिन के लिए बनाई है, और इसी के साथ मैंने मार्केट से कुछ हेल्दी चीजें मंगाई हैं, और ये खत्म हो रही थी। पंपकिन सीड्स तो मैं हमेशा रखती हूँ अपने हेल्दी ऑप्शन में, और एक फ्लैक्स सीड, ये दोनों मेरे खत्म हो रहे थे। फिलहाल सबसे पहले दिखाती हूँ ये लायन के डेट्स, और ये डेट्स मुझे बहुत पसंद है लायन के तो खासतौर से। फिर मैंने ये 9-in-1 मिक्स मंगाया है, जिसमें है पम्पकिन, सनफ्लावर, फ्लैक्स, चिया सीड्स, सेसमे सीड, पीनट्स और कैशूज, सोया नट्स और भी बहुत सारे हैं इसमें। और इसके अलावा मैंने एक ये मंगाया है, ये है रोस्टेड पार्टी मिक्स, इसमें है काजू और साथ में रेजन्स। तो ये आज सुबह मैंने बीबी डेली से मंगाया, और इन्हें मैं अपने सामने रखूंगी जिससे कि मुझे रोज खाना याद रहे और प्रशांत को भी याद रहे। ये है मिक्सर, और जरूरी नहीं है कि ये मिक्सर आप मार्केट से बना बनाया खरीदो, मैं तो खुद भी बना के तैयार करती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपने घर के लिए बेडशीट्स मंगाने वाली हूँ, और आप लोग भी जब फेस्टिवल आते हैं उस टाइम मेरे से हमेशा बोलते हो कि दीदी कुछ अच्छी बेडशीट्स दिखाइए हमें अपने घर के लिए। तो जब भी दीपावली नज़दीक होती है और ढेर सारे फेस्टिवल नज़दीक होते हैं तो मैं हमेशा ये शॉपिंग करती हूँ बेडशीट की। इस बार मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है सारी बेडशीट, और ये जो बेडशीट है ना एक से बढ़कर एक है, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मंगाई है, ज़्यादा महंगी नहीं है, इक्का दुक्का ही होगी जो 1000 से ऊपर है, बाकी 900 के अराउंड ही है। तो यहाँ पर मेरे पास है ढेर सारी बेडशीट जिनका मैं आज उसे उठाया भी नहीं जा रहा, इतनी हैवी हो रही है। ये देखिए, ओ माय गॉड, इतनी सारी बेडशीट का मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ रिव्यू, और सारी बेडशीट्स को ना मैं बिछा के भी दिखाऊंगी कि बिछने के बाद इनका लुक क्या आ रहा है। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे बैठकर आराम से तसल्ली से आप लोगों के साथ एक एक करके सारी बेडशीट शेयर करनी चाहिए। बाय द वे मेरा चश्मा कैसा लग रहा है? मैं चश्मा लगाकर आपके साथ आज रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हो सकता है बीच में मुझे कुछ प्राइस वगैरह चेक करने पड़े, तो मैं साथ के साथ आपको प्राइस, रेटिंग वगैरह ये सब भी बताती रहूंगी जिससे कि आप अपने लिए पसंद कर पाओ। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाली बेडशीट दिखाती हूँ। जितनी भी बेडशीट मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो किंग साइज की हैं, जो कि हमारे रूम में ये वाला बेड है, दूसरे रूम में हमारे क्वीन साइज पड़ा हुआ है, और इसमें हमारे किंग साइज है। तो किंग साइज की जो बेडशीट मैंने मंगाई है सारी की सारी प्योर कॉटन में मंगाई है, क्योंकि आपको पता है प्रशांत और मुझे दोनों को कॉटन की ही बेडशीट पसंद है, क्योंकि हमें ऐसा फील होता है कि कॉटन की बेडशीट पर नींद अच्छी आती है। जब आप पहली बार बिना वॉश करे बिछाते हो तो इतना अच्छा मजा नहीं आता है, लेकिन जब वो एक बार वॉश हो जाती है तब उस पे सोने में बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ लोग तो अपने हर नए कपड़े को वॉश करके ही यूज करते हैं जिससे कि वो फीलिंग आ पाए, जो सॉफ्टनेस होती है। मुझे तो खैर नई चीज को ना नए तरीके से पहनना पसंद है, जब तक मैं कोई ऐसी जगह से शॉपिंग ना कर रही हूँ जैसे कोई स्ट्रीट मार्केट है और कोई मेला है, जब मैं वहां से कुछ खरीदती हूँ तो मैं उन्हें वॉश करके ही पहनना पसंद करती हूँ। अदरवाइज क्या होता है मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ, क्योंकि ये लोग भी अच्छे से ही पैक करके देते हैं। सबसे पहली वाली जो बेडशीट है ये लाभम ब्रांड की है, और ये ब्रांड मैंने पहले कभी ट्राई नहीं करी है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ उस ब्रांड को। लेकिन इसकी रेटिंग बहुत बढ़िया थी, 3.9 रेटिंग मिली हुई है इसे, तो देखते हैं कि ये कैसी निकलती है। तो कुछ इस तरीके की है ये बेडशीट,
और यहाँ पर मैं आपको बेडशीट खोल के दिखाऊंगी। सबसे पहले तो ये सबसे पहली बेडशीट मैं दिखाती हूँ आपको, ये है फ्लोरल प्रिंट में। ऐसे कलर जब आप बिछाते हो अपने रूम में तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो व्हाइट कलर हुए, क्रीम कलर हुए या जितने भी लाइट कलर होते हैं वो आपको ना पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। उस वजह से मैं लाइट कलर बिछाना पसंद करती हूँ, और अभी भी आप देखोगे तो व्हाइट कलर की बिछाई हुई है मैंने। ये शायद हॉस एंड किंडर की थी जो मैंने बिछाई हुई इस टाइम बेडशीट, ये भी बहुत अच्छी निकली है। पिछले साल दिवाली के टाइम पे खरीदी थी और मैं अब इसे वॉश करके कितनी बार बिछा चुकी हूँ, लेकिन इसका ना कलर फेड हुआ है और ना ये छोटी हुई है, श्रिंक भी नहीं हुई है। फिलहाल इस बेडशीट की बात करते हैं। हॉस एंड किंडर की भी बेडशीट मैंने मंगाई है इस बार, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये कुछ इस तरीके से है, देखो डबल है ये, इधर आप अलग प्रिंट देख रहे होंगे और इधर अलग है, तो बिछाने के बाद इसका लुक पता चलेगा आपको कि कैसा आएगा। और इसके साथ जो पिलो कवर मिले हैं वो आपको इस वाले प्रिंट के मिल रहे हैं, और इसकी कॉस्ट है 895 रुपीज। नेक्स्ट जो बेडशीट है वो है हॉस एंड किंडर की, और ये वाली जो बेडशीट होती है इन्हें वॉश करके, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, काफी अच्छी निकलती है, इनमें कोई डाउट नहीं है मुझे, क्योंकि बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ ऑलरेडी। और इसका है जियोमेट्रिक प्रिंट, और ये ना स्काई ब्लू, नेवी ब्लू और वाइट कलर में है, तो बहुत ही प्यारी सी इसमें स्ट्राइप्स दी हुई हैं। और इसकी कॉस्ट 1000 से थोड़ी ज्यादा है, ये है 1199 रुपए में, और इसको 4.3 रेटिंग मिली हुई थी। ये भी प्योर कॉटन की है और इसे 95 लोगों ने रेट किया है ऑलरेडी। तो इस तरीके से मैं रेटिंग वगैरह इसलिए बता देती हूँ, कभी कभी आप लोग सोचते हो कि मुझे हमें रेटिंग क्यों बता रही है, इस वजह से बता देती हूँ कि गाइस खाली आप मेरे रिव्यू पर कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदें। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मैं उसके साथ साथ आपको रेटिंग भी बता देती हूँ कि ऑलरेडी इतनी रेटिंग मिली हुई है, इतने लोगों ने दी हुई है, जिससे कि खाली मेरा रिव्यू नहीं बाकी लोगों का भी रिव्यू आप तक पहुंचे। तो ये देखिए, ये है इसका प्रिंट, ये भी लाइट कलर में है, इस टाइप के कलर बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे रूम का तो थीम भी ब्लू है, और इस टाइप की कलर की जो बेडशीट्स होती हैं हमारे रूम में बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखेंगे आज इसे बिछाकर कि ये कैसी लग रही है, और मैं इनमें से 4 बेडशीट रखने वाली हूँ, तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सी 4 बेडशीट मेरे रूम के हिसाब से अच्छी है, तो वो भी आप सजेशन जरूर दीजिएगा, और आप अपने लिए कौन सी परचेज करना पसंद करोगे ये भी बताना। तो ये है इसका प्लो कवर, ये भी स्ट्राइप्स में ही है, वही कलर है जो कि बेडशीट में है। इसके साथ अगर आप थोड़ा बहुत और लुक को इनहेंस करना चाहते हो तो पीछे प्लेन कलर की आप लो यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यूज करे हुए हैं लेयरिंग में। लेयरिंग में बहुत अच्छा लुक आता है बेड का। इस जो बेडशीट है ये भी प्योर कॉटन में है, किंग साइज की है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया सारी किंग साइज की है। और ये है लाभम की, अभी मैंने एक और दिखाई थी, अभी दूसरी दिखाई है, ये मस्टर्ड येलो कलर में, ये भी सेम प्राइस पर है 895 रुपीज में। अगेन ये ऐसे कलर बहुत प्यारे लगते हैं, तो जिन लोगों के बेडरूम में येलो कलर टोन है तो उन लोगों के रूम में तो ये बेडशीट बहुत अच्छी लगेगी। जैसे कि मेरे इस रूम में येलो टोन नहीं है, ब्लू है, फिर भी मैं जब येलो बिछाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, आसपास की जो डेकोर है ना उसको येलो कलर में कर देती हूँ, तो उससे ना ये जो बेडशीट है और भी अच्छी लगने लगती है। जैसे बगल में मैंने येलो कलर के फ्लावर वास लगा दिए, कभी मैंने कहते कुछ डेकोर यहाँ पे चेंज कर दी। ये बेडशीट कुछ इस तरीके से है, ये देखिए इसका प्रिंट बहुत प्यारा है भाई, ये देखिए कितना प्यारा सा प्रिंट है। मैंने इन वाली बेडशीट में देखा है, लाभम वाली बेडशीट जो है उनमें ना कुछ 3 टाइप के पैटर्न है, जैसे कि इधर तो फ्लावर दे दिया, फिर यहाँ पे कुछ और प्रिंट है, और फिर नीचे कुछ और प्रिंट है, तो जब हम इसे बिछाएंगे तो 3 तरह के प्रिंट दिखाई देंगे, आई मीन तो और भी सुंदर लगेगा। मैं इसका वो दिखाती हूँ पिक्चर यहाँ पे कहीं है, ये देखिए, हाँ कुछ इस तरीके से लगेगा, ये बड़ी सुंदर लग रही है यार ये बिछ के। इसके चलिए प्लो कवर देखते हैं वो कैसे हैं, तो उनमें भी डबल प्रिंट दिया हुआ है, अच्छा है, बढ़िया है। तो अगर इस बेडशीट की MRP देखी जाए तो यहाँ पर लिखी हुई है 1845 और हमें मिल रही है 895 में, और इसके ऊपर से कोई कैशबैक वगैरह भी है यहाँ पे, मैंने देखा बेडशीट के ऊपर। नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट है हॉस एंड किंडर की ये वाली बेडशीट, इसका भी कलर वही अगेन लाइट कलर है, सारे लाइट कलर ही मंगाए ज्यादातर मैंने, और ये भी हल्का सा स्काई ब्लू टोन है जो कि हमारे रूम में फिट बैठेगा। और ये देखते हैं बेडशीट, इस बेडशीट का प्रिंट मुझे बहुत प्यारा लगा था जब मैंने पिक्चर में देखा था, इसको तो 2000 से ज्यादा लोगों ने रेट किया हुआ है, इसको 4.2 रेटिंग मिली हुई है,
तो 2000 लोग तो बहुत होते हैं। अगर इतने लोगों को ये बेडशीट पसंद आई है तो कुछ तो बात होगी इस बेडशीट में। तो एक तो वो रिव्यू हो जाता है जो लोग डालते हैं, जहां से हम लोग परचेज करते हैं उस वेबसाइट पर। दूसरा मैं दे देती हूँ, तो आप लोगों को तो दो दो लोगों के रिव्यू मिल जाते हैं, तो उससे बिल्कुल श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ भाई ये चीज कैसी है। तो ये देखिए, मैं वैसे अपनी सारी बेडशीट को प्रेस करके ही बिछाती हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइप की सुखड़ी हुई बेडशीट इतनी पसंद नहीं आती है। लेकिन मैंने आज नई नई बेडशीट खोली है आपके सामने, तो थोड़ी सी ये क्या होता है जब ऐसे पैक होके आती है तो लाइनें पड़ जाती हैं इसमें, वरना ये बेडशीट बहुत प्यारी है। इसका प्रिंट मुझे बहुत प्यारा लग रहा है गाइस, कहते पूरे में फ्लावर है, लीव्स हैं, हल्का सा लाइट सा कलर है। ये बिछकर बहुत प्यारी लगने वाली है। और यहाँ पर आप इसके पिलो कवर भी देख लीजिए, तो देखिए उनसे भी बड़ा है, लाभम से भी इतना बड़ा है। तो मतलब बड़े वाले जो मैंने पीछे की तरफ लगाए हुए हैं ये उन पर भी लग जाएगा। जो रेगुलर साइज के पिलो होते हैं उन पर तो ये आराम से आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा अगर बड़े साइज का आप पिलो लेना चाहते हो तो उस पर भी ये आप डाल सकते हो। इतना बड़ा साइज रहता है हॉस एंड किंडर की बेडशीट का। कलर कैसा लगा आप बताना कमेंट सेक्शन में। शायद मैं इस बेडशीट की कॉस्ट बताना भूल गई आप लोगों को, इसकी कॉस्ट है 996 रुपीज, और ये बहुत सारे कलर में मिल जाएगी आपको। इन सारी बेडशीट के मैंने बाय द वे लिंक छोड़ दिए हैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो जब आप इसका लिंक ओपन करेंगे तो उसमें बहुत सारे कलर मिल जाएंगे आपको, तो आप अपने रूम के अकॉर्डिंग वो ले सकते हो। नेक्स्ट जो बेडशीट है ये बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ये है फ्लोरल प्रिंट में, इसमें पिंक येलो इस टाइप के फ्लावर बने हुए हैं, और साथ में जो बेस कलर रहेगा वो रहेगा वाइट। तो इस टाइप से है ये, और इस टाइप की बेडशीट मुझे तो बड़ी पसंद आती है अपने रूम में बिछाना। ये देखो यार इसका 3D सा लुक, नहीं यार आपको नहीं लग रहा? मुझे बड़ा प्यारा लग रहा यार इसका प्रिंट, ये देखो तो बहुत ही प्यारी बेडशीट लगी मुझे, ये मुझे बहुत पसंद आई वाली बेडशीट। इसको भी अगेन 2000 लोगों ने रेट किया हुआ है। प्योर कॉटन में है ये बेडशीट, और कपड़ा जैसे आप देख रहे हो ना इससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और मजा आता है सोने में। लास्ट बेडशीट दिखा रही हूँ आप लोगों को इस हॉल की, लेकिन उससे पहले बताओ कि गाइस आप लोगों के घर में दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई? अगर हो गई है तो भाई मेरी तो अभी तक नहीं हुई है। मैं इस बार आलस कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। हर बार आप लोगों को पता है कि मैं बहुत पहले स्टार्ट कर देती हूँ, फिर जब मैं स्टार्ट कर देती हूँ तो उसके बाद कमेंट पढ़ती हूँ, लोग लिखते हैं आपने सफाई तो कर ली लेकिन थोड़े दिन बाद फिर से गंदा हो जाएगा। लेकिन इस बार सच में मैंने आलस कर दिया है, और अब मैं सोच रही हूँ मैं नवरात्रि के टाइम पे सफाइयाँ करूंगी। जब भी दीपावली आती है ना सफाई की एक अलग टेंशन दिमाग में घूमने लगती है, यार पूरा घर फिर से साफ करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगता है, थक जाते हैं बुरी तरीके से, लेकिन करना तो है। चलिए लास्ट बेडशीट दिखाते हैं आपको। अच्छा कुछ लोग ये भी लिख रहे थे मेरे को कि आपके यहाँ श्राद्धों में शॉपिंग कर लेते हैं क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो शुरू से करती हुई आ रही हूँ। ये जो नेक्स्ट बेडशीट है इसे 2500 लोगों ने रेट किया हुआ है, 4.2 रेटिंग है। इसका कलर और पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। इस कलर में मैंने बेडशीट कभी नहीं बिछाई है अपने रूम में। ये थोड़ा सा बेज कलर है, ना तो ये क्रीम है ना वाइट है, हल्का सा बेज बादामी सा कलर है। बिछाने के बाद कैसा लगेगा देखेंगे। और इस पर ग्रीन कलर के फ्लावर है, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन तो सच में नहीं बिछाया कभी। इस बेडशीट का कपड़ा भी थोड़ा डिफरेंट है, ये जितनी भी बेडशीट दिखाई है ना इससे डिफरेंट है। इसकी कॉस्ट है 1199 रुपये, ये थोड़ा कॉस्टली है अभी तक जो मैंने बेडशीट दिखाई थी उनमें। तो इस पर ग्रीन ग्रे कलर के फ्लावर्स हैं, बीच बीच में ना फोन भी आ रहा है, और आज पता नहीं मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ मोबाइल से वीडियो शूट करती हूँ। हमेशा मैं कैमरा लगा के करती हूँ अपना, लेकिन आज मैंने सोचा कि बड़ा सा लगता है ना देखने में, तो वो पूरा व्यू मिल पाता है, सारी बेडशीट को मैं आराम से दिखा पाऊंगी आप लोगों को दूर से अच्छे से। कभी कभी लोग ये भी लिखते हैं कि आप बहुत हेल्दी हो, आप बहुत हेल्दी लगते हो, तो वो कैमरे की वजह से लगती हूँ मैं। कैमरे में ना बहुत ही क्लोजअप लुक आता है, और जब क्लोजअप लुक आता है ना तो आप थोड़े हेल्दी दिखाई देते हो, आपका चेहरा भी इतना बड़ा दिखाई देगा, आपका शरीर भी बड़ा दिखाई देगा। वैसे मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, जब भी कभी भी आप में से कोई भी जो भी लिख भी रहा है ना वो भी मुझसे पर्सनली मिलेगा ना तो एक बार ये तो बोल के जाएगा कि आप यार कैमरे में तो बहुत हेल्दी लगते हो, वैसे रियल लाइफ में तो आप अच्छे खासे पतले हो, पता नहीं उसमें क्यों लगते हो। फिर एक ये वर्ड भी पूछते पता नहीं उसमें क्यों लगते हो, फिर मैं सबको समझाती हूँ यार ऐसा है वो इस वजह से लगते हैं, तो बोल रहे थे यार आप तो अच्छे खासे पतले हो। तो लेकिन मैं ना इस चीज पे ज्यादा
लोगों को जवाब नहीं देती। बहुत सारे लोग लिखते हैं आप बहुत मोटी हो रही हो, आप ये हो रहे हो, आप अनहेल्दी हो, ये वो। मैं कहती हूँ चलो छोड़ो, जिसको जो सोचना है सोचने दो, मुझे पता है ना मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, कैसी लग रही हूँ। डेली मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ, तो डेली कोई इंसान कैसे हर दिन एक जैसा लग सकता है कि एक हर दिन बहुत ही स्मार्ट लगे, बहुत ही खूबसूरत लगे, उसका पहनावा भी एक हर दिन अच्छा हो। ये किसी के साथ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप खुद से भी पूछोगे या खुद को भी देखोगे तो आप भी हर दिन सेम नहीं लगते होगे। कितने लोग इस बात से एग्री हैं बताना मेरे को, क्योंकि सोचने वाली बात है हर दिन कोई इंसान कैसे खुश मिजाज, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, वेल ड्रेस्ड लग सकता है। मुश्किल काम है ये। वो लोग लग सकते हैं जो सुबह उठकर जॉब पे जाते हैं क्योंकि उनको तो रेडी होना ही पड़ता है, लेकिन हम लोग जो घर से काम करते हैं तो यार 19-20 चल जाता है। आप लोग भी अब समझते हो क्योंकि इतने टाइम से मेरे साथ आप जुड़े हुए हो। तो आप लोगों को आज ये बेडशीट का हॉल कैसा लगा? आप लोगों को मेरे इस टाइप के वीडियो पसंद भी हैं और हेल्पफुल भी लगते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस टाइप के आपके साथ रिव्यूज शेयर करती रहा करूँ। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक जरूर करा करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, जिससे कि जब भी कोई भी नई वीडियो आती है वो आपके होम स्क्रीन पर तुरंत पहुंच जाए। और व्लॉग यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, अभी और भी बहुत कुछ है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, शाम की चाय वाय बनाऊंगी, उसके बाद आपको कुछ और चीज दिखाती हूँ। चलिए ऐसे ही मुझे फील हो रहा है कि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है यहाँ पर ना, और यहाँ पर दर्द हो रहा है और यहाँ पे कानों के पीछे। मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ उसे पीऊंगी, उसमें थोड़ा सा लौंग भी डालूंगी। आज वायरल चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा, कहीं मुझे वायरल ना पकड़ ले। आप लोग ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब भी कोई भी बेडशीट मंगा रहे हैं उसका साइज वगैरह जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पर साइज मेंशन रहता है। और जब भी कोई बेडशीट आप खरीद रहे हो तो आप ना ये भी ध्यान रखिए कि बेड के ऊपर जो मैट्रेस पड़ा हुआ है उसकी थिकनेस कितनी है, तो जितनी थिकनेस है वो और प्लस जो आपका बेड का साइज है वो दोनों ही मैटर करते हैं। तो इन दोनों को ध्यान में रख के ही आपको बेडशीट खरीदनी है, वरना छोटी बेडशीट लगती है फिर बिछने के बाद। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि कम से कम इतना जो है हिस्सा अंदर की तरफ भी आ जाए, तभी जो है बेडशीट परफेक्ट बिछकर आती है। तो ये टिप आप ध्यान में रख सकते हो। प्लस आज जो मैंने शॉर्ट पर अपना सूट शेयर किया था ना, एक मैंने कुर्ता सेट शेयर किया है, तो वो आप लोगों ने पता नहीं अभी चेक किया है कि नहीं किया है, तो वो मैं फिर से दिखाऊंगी आपको इस वाले ब्लॉग में, क्योंकि काफी सारे लोगों ने उसका लिंक भी मांगा है। और कुछ लोग शॉर्ट वीडियो में ये भी पूछ रहे थे कि कम्युनिटी पोस्ट कहाँ से देखें हम आपकी, क्योंकि जो भी लिंक होते हैं वो शॉर्ट पे तो शेयर कर नहीं सकते, यूट्यूब की गाइडलाइन नहीं है ऐसी। तो उसके लिंक मैं जब भी शॉर्ट पे कोई भी वीडियो शेयर करती हूँ वहां पर मिलते हैं कम्युनिटी पोस्ट पर। तो वो कम्युनिटी पोस्ट आपको कैसे चेक करनी है वो बता देते हैं। क्या करना है, बहुत सिंपल सा है कि ये मेरा जैसे शॉर्ट है, यहाँ पर प्रोफाइल पिक पर जाइए आप, मेरे लेफ्ट साइड में रहती है जो कि ये मेरा पेज खुल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट सबसे लास्ट में है तो वो दिख जाएगी। तो यहाँ पर सारे लिंक मिल जाएंगे जो कि क्लिकेबल होते हैं। लिंक तो मैं छोड़ सकती हूँ शॉर्ट में भी, लेकिन वो क्लिकेबल नहीं होते। यहाँ पर आपको क्लिकेबल लिंक मिल जाएंगे जो एग्जैक्ट आपको वहां तक पहुंचा देंगे। ये है वो कुर्ता सेट जो कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो पे शेयर किया था, जिसका लिंक बहुत सारे लोगों ने मांगा है। कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आया, कुछ लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा चमकीला सा है, ओके ओके है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका लिंक मांगा है, तो मतलब उन्हें पसंद ही आया होगा। और ये ना सिल्क शिफॉन में है, सूट बहुत खूबसूरत है गाइस, बिल्कुल फेस्टिव वाला, या फिर वेडिंग सीजन में अगर आपने ये वाला सूट पहना किसी के फंक्शन में, रिसेप्शन में, इवन शादी में भी किसी ने पहना तो बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है और सीक्वेंस का वर्क है गाइस इस पर। और इसका फैब्रिक तो बहुत ही बढ़िया है, इसका रिव्यू ऑलरेडी मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में डाला है, तो आप मेरे शॉर्ट्स चेक करा करो। और उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं कैसे दिखाई दूंगी आपको अपने होम स्क्रीन पर। तो ये इसकी स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी बहुत बढ़िया वर्क हो रहा है। अच्छा, मैंने शॉर्ट में ना पहन के नहीं दिखाया था, ये अभी मैं आपको पहनकर भी दिखा दूंगी, तो आप लोग बताना मुझ पे कैसा लग रहा है। और ये देखिए, ये नीचे काम है इसमें पूरे में। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पैंट जो कि है धोती पैंट, और धोती पैंट ना रिसेंटली ट्रेंड में आई है। ये देखिए कितनी अच्छी सी पैंट है इसकी, ये देखिए कितना अच्छा है, और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, और उसमें ये लगी हुई है लेस,
दुपट्टा कलरफुल सा है क्योंकि इसकी पैंट भी कुछ ऐसी ही है।